एक बड़ी खबर इस वक्त को बता दें कि छात्र हित में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला इस वक्त बड़ी खबर है। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर। बोर्ड परीक्षा 2022 में सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 देने वाले उन तमाम छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो में विद्रू के साथ में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। कोरोना काल की वजह से शिक्षा पर जो काफी बुरा असर पड़ा है उसको सुधारने के लिए सरकार ने कुछ अहम बदलाव किया, और सबसे पहले बात करें दसवीं और बारहवीं की छात्रों के लिए सबसे बड़े बदलाव किया। दसवीं और बारहवीं के प्री बोर्ड की जगह अब होंगे केवल दो रिवीजन टेस्ट, यानी इस बार आपका प्री बोर्ड किसी भी रूप में नहीं होने वाला है। कोरोना कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल को बार बार बारहवीं और दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए योजनाएं और तैयारियां बदलनी पड़ रही है। पता चला है कि इस बार दसवीं और बारहवीं के छात्रों को प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी होगी। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला किया है। छात्रों की प्री बोर्ड की परीक्षा तैयारी के लिए प्री बोर्ड की जगह दो रिवीजन टेस्ट होंगे, वह भी स्कूल में होंगे और ओपन बुक, ये स्पष्ट नहीं है यानी ओपन बुक से होंगे या फिर नहीं होंगे, इस पर फिलहाल अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। देखा जाए तो दसवीं और बारहवीं की भौतिक कक्षाएं संचालित हो रही है, ऐसे में यह संभावना है कि रिवीजन टेस्ट स्कूल में भी हो सकते हैं। समझने की बात वाली यह है कि अगर परीक्षा के आयोजन में छात्रों इकट्ठा होने से कोरोना का भय है तो वो भौतिक कक्षाओं के संचालन में भी है। हालांकि रिवीजन अब तक निर्णय नहीं ले पाया है कि टेस्ट और बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, यानी अभी तक कोई भी विभाग है ये नहीं कह पाया कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। लेकिन इस बार जो शिक्षा विभाग ने जो निर्णय लिया उसमें आपके प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं होने वाले हैं, ये सबसे बड़ी और शानदार खुशखबरी दसवीं और बारहवीं के छात्रों ने निकल के सामने। इस पर आप सभी लार क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।